वेलकम बैक व्यूअर्स। और मैं बड़ी खुश नजर आ रही हूँ आपको, इसलिए कि जब मेरे प्रोग्राम में कभी कोई फाइन आर्ट से रिलेटेड कोई आर्टिस्ट आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे दिल से बड़ा करीब है। और आज तो खास तौर से एक स्कल्प्टर से मिलाएंगे हम आपको, मिलवाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे स्कल्पचर से मुतालिक, और ये भी जानना चाहेंगे कि स्कल्पचर्स की हिस्ट्री कितनी पुरानी है। मेरा तो ख्याल है कि जब से वर्शिप्स शुरू हुई होंगी तब से ही बना दिए गए होंगे ये स्कल्पचर्स, लेकिन जैसे इजिप्शियन अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो 6000 साल पुराने वहाँ पे स्कल्पचर्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे मुल्क में मेहरगढ़ में उससे भी ज़्यादा पुराने स्कल्पचर्स मिले हैं हमें, 7000 साल पुराने। तो बड़ी कमाल की बात है, और हम अपने मुल्क को इतनी अहमियत देते नहीं हैं। हम बाहर की चीज़ों को देख के बड़ा हैरान होते हैं। जब बाहर आप जाते हैं ना किसी म्यूजियम में, आप हैरान होते हैं, अच्छा ये 4000 साल पुरानी चीज़ है, अच्छा ये 5000 साल पुरानी। तो वहाँ के लोग फिर हमसे सवाल करते हैं कि आपने अपने मुल्क की चीज़ें नहीं देखी जो कि इतना पुराना, इतनी पुरानी हिस्ट्री है उन चीज़ों की। ये सारी चीज़ें जानना चाहेंगे हम आपको, मिलवाते हैं एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट अब्दुल जब्बार गुल से। NCA से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की, उसके बाद बहुत सारे शौक़ रहे कैलीग्राफी के हवाले से, पेंटिंग के हवाले से, फोटोग्राफी के हवाले से, और ख़ास तौर से स्कल्पचर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, सिखाते हैं इंडस वैली में, उस्ताद हैं। तो मिलते हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं अब्दुल जब्बार गुल साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का, टाइम देने का। नहीं, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और हम टीवी का जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। सही। अच्छा, थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें जो देखने वाले हैं, जो आपकी मौजूदगी से सीखेंगे, ज़रा हमें बताइए कि स्कल्पचर्स की कितनी पुरानी हिस्ट्री है, ये कैसे बनाए गए, कैसे शुरू हुए? आई थिंक जैसे अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि स्कल्पचर की तारीख उतनी ही पुरानी है जितने कि हम खुद इंसान, क्योंकि आई थिंक जो एक अर्ज होती है हाथ से चीज़ों को बनाने की, वो बहुत 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 पुरानी है। हमें बहुत प्री हिस्टोरिक जो है वो स्टोन एज के ज़माने के भी स्कल्पचर्स मिले हैं। और जैसे अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे यहाँ मेहरगढ़ की जो फिग्रींस और जो सिरेमिक्स और जो चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं उनकी 7000 BC जो है वो उनकी एज बताई जा रही है, विच इज़ द ओल्डेस्ट आई वुड से के इस अब तक जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं चीज़ों में। तो हम आई थिंक बहुत लकी हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं एब्सोल्युटली कि इस रीजन में हम पैदा हुए और इस रीजन में जहाँ मोहेंजोदड़ो है। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है जब्बार साहब के हम ना कभी इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं अपने मुल्क में रहते हुए, और हम बाहर जाते हैं और बाहर के म्यूजियम्स को देखते हैं, बाहर की चीज़ों को देख के अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें यकीन ज़रूर अपनी चीज़ों को भी देखकर एडमायर करना चाहिए। और आई थिंक ये बहुत डिफरेंट फॉरम से ये बात हम कर चुके हैं और होती रहती है ये बात कि हमारी प्रॉबेबली गवर्नमेंट लेवल पर या हमारी पॉलिसीज में आर्ट जो है वो अभी प्रायोरिटी पर नहीं है। उसकी वजह से ये है कि ना म्यूजियम्स हैं ना गैलरीज हैं, और जो म्यूजियम्स हैं वो इन्वाइट ही नहीं है, तो वो इस तरह के ओपन नहीं है कि लोग जाएँ। अब अगर आप बाहर किसी मुल्क में जाएं तो वहाँ म्यूजियम्स के बाहर लाइन लगी होती है और लोगों को सिर्फ एंट्री टिकट लेने के लिए डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे। मुझे याद है मैं जब इजिप्ट में जब ममीज देखने के लिए वहाँ खड़ी थी उसके म्यूजियम के बाहर, तो मुझे एक इतनी लंबी कतार में खड़ा होना पड़ा था कि मैं सोच रही थी कि यहाँ तो एक घंटा लग जाएगा, जाऊँ ना जाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं नहीं देखनी तो जरूर है। नहीं, ये देखें, और अब आप वैसे कभी अगर आपका एक्सपीरियंस हो, आप आम लोगों से पूछे कि कराची म्यूजियम कहाँ है, तो शायद आपको 10% भी नहीं बताएंगे कि वो कहाँ है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हों और किसी भी म्यूजियम का नाम लें, एक तो ये है कि जहाँ पे उस तरह के म्यूजियम जहाँ पे कि आप अपनी हिस्ट्री को सेव करते हैं, लेकिन एक उस तरह के भी म्यूजियम्स की जरूरत होती है जहाँ आप अपनी कॉन्टेम्प्रेरी चीज़ों को स्टोर करते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट को, कि आज हमारे मुल्क में ये आज हमारे लोग क्या करें। तो जब हमें ना हम अपने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, ना हमारे कॉन्टेम्प्रेरी जो आर्ट सीन है, ना ही हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, ना ही जब प्रेजेंट का ख्याल करेंगे तो फ्यूचर की प्लानिंग होगी ना जब। लेकिन अब मेरा मुझे लगता है इतना भी आई थिंक हमें नेगेटिवली चीजों को नहीं देखना चाहिए। अच्छा, आप लोग इस माशाल्लाह से आपको अल्लाह ने ये हैसियत दी है कि आप सिखाते हैं लोगों को, आप लोगों का क्या फर्ज बनता है इस आर्ट की प्रमोशन के लिए? आई थिंक फर्स्ट से ज़्यादा सबसे अहम चीज़ ये है कि जो लोग किसी भी फील्ड में इन्वॉल्व हैं वो खुद प्रैक्टिस करें पहली। हाँ। तो बात, अगर मैं स्कल्प्टर हूँ और मैं अगर स्कल्प्चर नहीं बना रहा, हाँ, तो मेरा स्कल्प्टर होना बेमाने। अब मैं स्कल्प्चर को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं शोज करता हूँ, मैं एग्जिबिट कर रहा हूँ, लोग हाँ, आते हैं, हाँ, लोग देखते हैं, तो एक फैसिनेशन होती है, और फिर वो फैसिनेशन
अट्रैक्शन में, और फिर ऑब्वियसली वो उसको एज ए अपना प्रोफेशन या फिर वो डिफरेंट आर्ट स्कूल्स हैं उसमें वो, आई थिंक सबसे पहले तो ये कि जो लोग भी जिस प्रोफेशन में वो उसको प्रैक्टिस करें, फिर ऑब्वियसली जब वो एक ओपन होता है और लोग आके देखते हैं, लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो फिर अब जैसे इस साल मेरे पास इंडस वैली में स्कल्पचर में 6 लोगों ने ग्रेजुएट किया है, विच वॉज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक इंडस में कभी भी स्कल्पचर में, इंडस में तो क्या मैं कहूंगा कि इवन एनसी में भी कभी 6 एक साथ स्कल्पचर नहीं हुए, नॉर्मली 3-4 बस मैक्सिमम। मैं तो आने वाली हूँ आपके पास वो शॉर्ट कोर्स, प्लीज मोस्ट वेलकम, आप आइए आप। तो अभी हमने 6 लोग ग्रेजुएट हुए और आई थिंक काफी अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत लोगों ने एडमायर किया और काफी पॉजिटिव उस पे जो है वो मिला, तो लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है। और आई थिंक उसमें मेरा जो रोल है वो टीच करने के साथ साथ ये है कि मैं अपने काम को प्रैक्टिस करूं, एग्जिबिट करूं और लोग आए और देखें उसको। अच्छा, आपको कैसे लगा कि आप को इस फील्ड की तरफ जाना चाहिए या एनसीए में तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहिए? आपको कब फील हुआ, क्या वो आपकी सलाहियत थी जिसको देखते हुए आपके पेरेंट्स को या आपको महसूस हुआ? आई थिंक मेरा जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है ये कि मैं इंटीरियर सिंह से, मीरपुर खास एक छोटी सी जगह है, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और मैं ये भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि वो एक कहते हैं कि बचपन से शौक था, मुझे वाकई लगता है कि मुझे बचपन से शौक था। और स्कूल बुक्स पे जिस तरह से लोग अपने नाम लिखते हैं, या मेरी हैंड राइटिंग कुछ बेहतर थी, अच्छी थी, और मैं अपने नाम पे वैसे भी हमारे जो आसपास कुमार हैं उनको देखकर तो मेरा ख्याल है हर बच्चे को ये शौक होता है कि मैं कुछ करूं, लेकिन फिर उस शौक को वहीं खत्म कर दिया जाता है कि क्या ये कोई शौक है। वो इनकरेजमेंट बाज़ोकात आपके पेरेंट्स की साइड से, बाज़ोकात आपकी सोसाइटी का जो सॉर्ट ऑफ एक है उसमें आपको नई इनकरेजमेंट मिलती, तो वो शौक फिर ऐसा ऐसा डेवलप होता फिर अब वहाँ वो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो कमर्शियल जो बोर्ड पेंटर्स हैं उनके साथ कुछ टाइम लगा के और फिर ड्राइंग और पेंटिंग वो स्टार्ट हुआ। फिर एनसीए का पता चला कि भाई एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि आप इस में पढ़ भी सकते हैं, तो फिर मैंने वहाँ एनसीए से किया। 2 साल फिर मैं लाहौर में रुका, फिर 98 एनसीए में आपको एडमिशन इजीली मिल गया? एनसीए में एडमिशन कंपैरेटिवली आई वुड से इजीली मिल गया था, कुछ एक उसकी एक कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी लेकिन वो शुक्र है कि वो हैंडल हो गई उस वक्त और वो फिर एडमिशन हो गया मेरा। वैसे अगर किसी को ये शौक है तो वो हमारे स्कूल्स में तो इस तरह के नहीं है, कॉलेजेस में बहुत कम एक आध कॉलेज होगा कराची का जिसमें फाइन आर्ट्स का कोई ग्रेजुएशन होती होगी या क्या, तो अगर कोई स्टूडेंट इस तरफ आना चाहे तो उसको शुरू से कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि तब जाके उनको एनसीए में एडमिशन मिले या इंडस वैली में एडमिशन मिले, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में मिले, क्या होता है इसमें नॉर्मली? वो भी फिर यही बात है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल सिलेबस में कोई इस तरह के प्रोग्राम नहीं है कि वो बच्चों को ड्राइंग या आर्ट या पेंटिंग की तरफ जाए, वो कोई अर्ली स्टेज से उस तरफ उनको माइल करें। फिर होता यह है कि जब नॉर्मली आप मैट्रिक में या ए लेवल या ओ लेवल पर जब आप होते हो और आपका इंटरेस्ट आर्ट में होता है, तो आप फिर छोटे छोटे से वर्कशॉप की तरफ या ऐसे छोटे आर्ट इंस्टीट्यूट की तरफ जाते हो जहां पर आप अपनी बेसिक ट्रेनिंग कर सको ड्राइंग वगैरह का, तो फिर आप कुछ शॉर्ट कोर्सेज करते हो कुछ अगर आपका इंटरेस्ट है, तो इस तरह के हैं 2-4 स्कूल कि जहां पर आप प्रिपरेटरी क्लासेस करते हैं, फिर वो एनसीए के या इंडस के एडमिशन टेस्ट में आप अप्लाई करते हो, फिर अगर आप हो जाते हो तो फिर आप अपने करियर एज ए करियर उसको परसू करते हो। अच्छा, जब एज ए करियर इसको परसू करते हैं, जब हम प्रोफेशन बनाते हैं इसको, तो क्या प्रोफेशन बनाया जा सकता है, इसमें इतना स्कोप है, इससे घर चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है और बहुत अच्छा चल सकता है, एक नहीं बल्कि 4 घर चल सकते हैं एक नहीं अगर आप चलाना चाहें तो जितने, असल में यही वो सॉर्ट ऑफ मिसकॉन्सेप्शन हैं जिनको के दूर करने की जरूरत है। हम मजाक में अक्सर ये कहते हैं कि अच्छा किसी से अलावा और क्या करते हैं, हाँ वही हाँ। कि जब आप पूछते हैं कि आप अच्छा आर्टिस्ट हैं तो इसके अलावा क्या करते हैं, अब वो सूरत हाल नहीं है, अब बिल्कुल वो नहीं है, अब आर्ट एज ए प्रोफेशन है। और आई थिंक आर्टिस्ट होने के जो एडवांटेजेस हैं वो शायद किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि आपके पास इतनी वर्सटैलिटी और इतनी आपके पास एक डाइवर्स एक्सपोजर होता है चीज़ों का कि आप किसी भी तरफ जाना चाहें। अब जैसे हमारे इंडस के ग्रेजुएट वो फाइन आर्ट्स में किए हुए हैं और यहाँ पे वो मेरा ख्याल में आपके चैनल पे भी इंटीरियर इसके सेट के सेट डिजाइनर्स हैं, बहुत से जो है वो अब तो इतने सारे चैनल्स हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल हर जगह जो है सेट डिजाइनर की जरूरत होती है, सिर्फ सेट डिजाइनर नहीं प्रोडक्शन में आ जाते हैं, बिल्कुल 3D एनिमेशन में आ जाते हैं और बहुत ग्राफिक्स के ग्राफिक्स में आ जाते हैं, तो अब तो आई थिंक डिमांड ज्यादा है और लोग कम पड़ गए आर्ट में, अब तो इतना उसका एक्सपोजर है कि अगर आप आर्ट में आ जाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप भूखे नहीं। चलें जी, गारंटी भी मिल गई और ये है कि अब अपने बच्चों को अगर शौक है तो उनको इनकरेज करें, उनकी हेल्प करें, उनको आगे बढ़ाने में, उनको एज अ करियर ये परसू करने में उनकी पूरी पूरी उनको गाइडेंस दीजिए।
और अगर कोई प्रॉब्लम पेश आए तो हम टीवी पे कॉल कीजिए, हमारे साथ ऐसे गेस्ट मौजूद होते हैं, हम उनके नंबर्स आपको दे सकते हैं, उनसे आप मशवरा ले सकते हैं और इस आर्ट की प्रमोशन में हम सब अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो स्कल्पचर्स होते हैं इसकी भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, मतलब मुख्तलिफ कह लें कि फॉर्म्स होते हैं, मीडियम्स होते हैं, या उनको शुरू में मेरा ख्याल है कि आइवरी से जैसे बनते थे स्कल्पचर्स, उसके बाद मेटल, वुड, क्ले, और ये मुख्तलिफ किन किन चीज़ों से बनाया जा सकता है? आई थिंक स्कल्पचर आज के दौर में एक बहुत वास्ट टर्म है, इसमें बहुत मीडियम, बहुत सारी फॉर्म। पहले ज़माने में सिर्फ स्कल्पचर ये समझा जाता था कि जो लकड़ी से, पत्थर से या मेटल में जो बुत बनाया हुआ है वो स्कल्पचर है। आज ऐसा नहीं है, आज तो मीडियम की इतनी वैरायटी है, साइंटिफिक रिसर्च ने इतनी चीज़ें हमारे अवेलेबल कर दी हैं कि अब तो हम नॉन फिगरेटिव स्कल्पचर भी हो सकते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और बहुत वास्ट हो गया है। तो अब ना मीडियम सी उस तरह से कोई कैद है, ना कोई एक उस सॉर्ट ऑफ प्री कंसीव्ड कोई परसेप्शन है कि ये स्कल्पचर है और ये नहीं है। अच्छा। आपका जो जिस तरह का बेसिकली तो एक्सप्रेशन की बात है कि आप अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या क्या बात है जो आप अपनी कहना चाह रहे हो, और फिर किस मीडियम में क्रिएटिविटी कितनी इन्वॉल्व होती है इसमें, टोटल होती ही क्रिएटिविटी है 99.9% प्रोबेबली। लेकिन आई थिंक दूसरी फील्ड से स्कल्पचर जरा सा डिफरेंट इसलिए कि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा। आपको बहुत ज्यादा टेक्निकली नो हाउ चीजों की होनी चाहिए। अब जैसे पेंटिंग है कंपैरेटिवली, इस पे भी बहुत से मेरे दोस्त जो है वो नाराज हो जाते हैं। हाँ। वो कंपैरेटिवली इजी है कि आपके पास कैनवस है, ईजल है और पेंट है। हाँ। और ब्रशेज हैं। हाँ। आपने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आपने वुड कार्व करनी है या आपने मेटल कास्ट करनी है तो उसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है, एक पूरी टेक्निकलिटीज, एक आपके पास बहुत सारे पावर टूल, आपके पास बहुत सारी मशीनरी, आपके पास बहुत सारे वो सारी भी रखा जाता है। बिल्कुल, वो सारी चीजें अगर आप उनसे अवेयर हैं तो आप एक कोई फाइनल चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो स्कल्पचर इन इस टर्म में बहुत ज्यादा लेबोरियस, बहुत ज्यादा टेक्निकल, और क्रिएटिविटी का तो मैं कहूंगा कि उसमें तो 100% है। अगर आपके काम में क्रिएटिविटी नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है, तो वो फिर आर्ट नहीं है, वो कुछ और है। सही, मतलब अगर किसी को इस फील्ड की तरफ आना है तो वो यकीनन देखे कि इसके अंदर ये टैलेंट है कि नहीं है, क्रिएटिविटी की तरफ उसका माइंड है कि नहीं है, और फिर उस तरह की जो है वो तालीम हासिल करते हुए यहाँ तक। आई थिंक वो बहुत से लोग उससे अवेयर होते हैं, एक अर्ली स्टेजेस पर पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये शौक है और मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, लेकिन बहुत से लोगों का पोटेंशियल जो है वो पॉलिश होता है। आप आ जाते हो, फिर आप मेहनत करते हो, ज्यादा जद्दोजहद करते हो, फिर आप अपने आप को पॉलिश करके, और फिर वो जो पोटेंशियल होता है उसको आप फर्दर। अच्छा, स्कल्पचर्स में आपने किन किन थीम्स पर अब तक काम किया है या कौन सा थीम आपके दिल के बहुत करीब है? मेरे अभी तक एज सच में उस तरह थीम्स पर काम नहीं करता। होता यह कि जब आर्टिस्ट किसी सॉर्ट ऑफ किसी एक स्टेट ऑफ माइंड से काम प्रोड्यूस करता जाता है तो वो फिर एक सॉर्ट ऑफ थीम या एक सीरीज बन जाती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कुछ बनाने का और जब बन के आया हो तो आपको कुछ अलग ही चीज मिली? ये तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस का हिस्सा है कि हम अगर सॉर्ट ऑफ एक चीज जैसी प्लान करके, बिल्कुल वो भी होता है कि आपने जैसी प्लान की वैसा उसका एंड रिजल्ट ले लिया। लेकिन आई थिंक वो मार्जिन भी होना चाहिए कि आप प्लान कुछ और करें और एंड रिजल्ट कुछ और हो, तो उसमें एक्साइटमेंट ज्यादा होती है। अच्छा। और आपको मुख्तलिफ राहें उसमें मिलती हैं कि आपने कुछ और चीज सोचा था और आप अपने आप को इतना लूज रखें, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, कि आप जो एंड रिजल्ट, अगर उसमें कोई सॉर्ट ऑफ वेरिएशन आ रही है और चेंजेस आ रही हैं, तो आप कभी ऐसा हुआ कि कुछ सोचा हो कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ एक हसीन नमूना और कुछ और बन जाए और उसको तोड़ दिया हो आपने? ऐसा कुछ नहीं होता असल में? ऐसा हुआ है कभी? जैसे हम कुछ लिखने जाते हैं ना, कुछ गलत लिख लेते हैं, समझ फिर फाड़ देते हैं पेपर को, फिर लिखते हैं। मैं आपको बहुत बहुत ऑनेस्टली बताऊं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं और ऐसा कर भी देते हैं कि उन्हें पेंटिंग पसंद नहीं आई, फाड़ दी, स्कल्पचर पसंद नहीं आया, तो तोड़ दिया। होते हैं आर्टिस्ट? मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ में आ रही होती तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। मैं कभी इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होता कि मैं उसको तोड़ दूं, क्योंकि वो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे वो मेरा काम है, मेरी मेहनत है, तो बेशक वो सॉर्ट ऑफ इनकम्प्लीट चीज मेरे पास रहे। सही। हो सकता है 10 साल बाद, 5 साल बाद कभी उस पे दोबारा आपको एक सॉर्ट ऑफ कोई और आइडिया आ जाए या कुछ उसको, तो मैं कभी अपनी चीजों को मेरे पास बहुत पुरानी मेरी अपनी इवन फाउंडेशन ईयर की एनसी की ड्राइंग मैंने बहुत संभाल के रखी है। मैं अपनी चीजों को कोशिश करता हूँ कि आपके घर में इतनी जगह भी होगी ना क्या वो सब चीजें संभाल के रखते हैं। अच्छा, जवाब सब एक कॉलर है हमारे साथ, उनकी बात सुनते हैं। हेलो,